आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। उन्होंने लाल टोपी से डर दिखाया, पीली टोपी जुड़ गई। आज हम यहाँ नीले बैठे हैं, देख रहे होंगे आप, और नीला रंग क्रांति का रंग है और न्याय का रंग है, समता का रंग है, समानता बंधुता का रंग है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का रंग है। जब ये मिलेगा तो और भी हालत खराब होगी, और अब मिल रहे हैं। 2022 में बहुत अच्छे तरीके से जनता जवाब देगी। जिस जनता को जुमलों के द्वारा ठगा गया, वो जनता अब सच्चाई की ओर जा रही है और जान रही है, सवाल पैदा कर रही है, और इन्हीं सवालों का परिणाम ये है कि वो सवाल नहीं दे पा रहे हैं तो लाल टोपी पीली टोपी का गीत गा रहे हैं। आदमी को जिस टोपी से डर होता है वो उसी की तरफ कहेगा कि इससे बचते रहो। तो मोदी जी को लाल टोपी का डर है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो मोदी जी को डर है कि मेरी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खिसक जाएगी। तो इसी कुर्सी के खिसकने के डर से मोदी और योगी जी दोनों मिलकर के इस बात को कह रहे हैं कि लाल टोपी से बचे रहें। लेकिन लाल टोपी एक ऐसा रंग है जिसको कि माँ भगवती भी पहनती है और भगवान भी इसे धारण करते हैं। लाल रंग तो ऐसा रंग है जिसे हर किसी को पसंद है, और जनता इस रंग को पसंद कर चुकी है।